हेलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और बेसिक कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। अब सपोज हम सेकेंड स्लाइड के इस वाले सेंटेंस को कॉपी करके इसे नीचे वाली लाइन में पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इस वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी कमांड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप कॉपी के लिए यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये सेंटेंस जो है कॉपी हो गया। अब हम चाहते हैं यही सेम सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आएंगे और जो हमने सेंटेंस कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए फिर से आप होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी करके भी कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं जो सेंटेंस हमने कॉपी किया था और जहाँ पर हमारा कर्सर था वो सेंटेंस वहाँ पर पेस्ट हो गया है, वही सेम सेंटेंस। अब इसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इस वाले सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, देन आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे कॉपी के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, और पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर करेंगे कंट्रोल वी। तो जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो जो लाइन हमने कॉपी की थी शॉर्टकट की से, वो लाइन अब यहाँ पर पेस्ट हो गई है। और अगर आप अपने सेंटेंसेस में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। सपोज सेकेंड वाले सेंटेंस में हम देना चाहते हैं दिस इज माई पैरा टू, तो हम यहाँ पर टू कर देते हैं इसको डिलीट करके, तो यहाँ पर ये हो गया दिस इज माई पैरा टू ऑफ सेकेंड स्लाइड। इसी तरह से हम यहाँ पर थर्ड लाइन को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं थ्री, तो ये हो जाएगा दिस इज माई पैरा थ्री ऑफ सेकेंड स्लाइड। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी ये जो लिस्ट है वो बुलेटेड है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स का वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं आपकी ये जो लिस्ट है वो बुलेटेड ना होकर नंबर्स में चेंज हो जाए, तो उसके लिए पहले तो आप अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ ग्रुप में जाकर जो नंबर्स वाला बटन है उसके साथ वाला जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नंबरिंग के काफी सारे स्टाइल आपके सामने ओपन हो जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट को नंबर सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। आप यहाँ से अपर रोमन सेलेक्ट कर सकते हैं, लोअर रोमन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे भी अपने माउस को लेकर जाएंगे नंबर लिस्ट के ऊपर, ये आपको इसका लाइव प्रीव्यू दिखाएगा। तो जो भी आपको ठीक लगता है नंबरिंग सिस्टम वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम ये वाला नंबर सिस्टम सेलेक्ट करते हैं लोअर रोमन, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो नंबरिंग सिस्टम हमारी लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर साथ में जो आप नंबर सिस्टम के साथ में जो दो बटन देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो बटन है वो है डिक्रीज लिस्ट लेवल का और उसके साथ में जो बटन है वो है इंक्रीज लिस्ट लेवल का। अब सपोज हम अपनी लिस्ट के इंडेंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम पैराग्राफ ग्रुप में जाकर यहाँ से करेंगे इंक्रीज लिस्ट लेवल। आप ध्यान से देखेंगे जब भी हम इंक्रीज लिस्ट लेवल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो रूलर में ये जो इंडेंट्स हैं ये मूव होंगे। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो हमारी लिस्ट है उसके जो इंडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप ये इंडेंट्स डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसके साथ वाले डिक्रीज लिस्ट लेवल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे अब आपके जो इंडेंट्स हैं वो अब लेफ्ट साइड में मूव हो रहे हैं, और जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे इंडेंट्स राइट साइड में मूव होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। जो डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग अभी है वो है 1.0। अगर आप चाहते हैं कि 1.0 लाइन स्पेसिंग ना होकर 2.0 हो तो आप यहाँ से 2.0 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी लाइन स्पेसिंग जो है देख सकते हैं वो 2.0 हो गई है। इसी तरह से फिर से हम दोबारा से लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये विंडो आपके सामने आएगी जहाँ पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अपने पैराग्राफ के बिफोर आफ्टर जो है कितना स्पेस रखना है। यहाँ पर अभी हमने लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट किया हुआ है डबल। अगर आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपना लाइन स्पेसिंग चेंज भी कर सकते हैं, सिंगल, 1.5, एग्जैक्टली या मल्टीपल। सपोज हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं 1.5 लाइंस, इस पर क्लिक करके जैसे हम ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है लाइन स्पेसिंग जो लिया है वो है 1.5। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड्स आती हैं अलाइनमेंट्स की। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट जो कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है,
उसके साथ में जो अलाइनमेंट ऑप्शन है वो है सेंटर का। आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई करके भी अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो आप कंट्रोल एल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है राइट अलाइन, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आर। आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके भी आप अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं। सपोज हम अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कंट्रोल ई करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी सेलेक्टेड लिस्ट है वो सेंटर अलाइन हो गई है, और अगर हमें राइट करना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर करेंगे तो जो हमारी लिस्ट है वो राइट अलाइन हो जाएगी, और अगर हमें लेफ्ट करना है तो फिर हम यहाँ पर कंट्रोल एल करेंगे, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा अलाइनमेंट के लिए, जस्टिफाई। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है टाइप करते हैं, सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं दिस इज माई सेकेंड लाइन ऑफ पैरा वन। यहाँ सेकेंड की जगह हम कर देते हैं फर्स्ट। अब हम यहाँ पर जो है अपने टेक्स्ट को फिर से सेलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से इसको करते हैं जस्टिफाई। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये आपके टेक्स्ट को यहाँ से जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे हम जस्टिफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसने जो है हमारे टेक्स्ट को अब यहाँ तक जस्टिफाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम्स का। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखा रहा है, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम। इन ऑप्शंस की हेल्प से आप अपनी लिस्ट को, आप अपने डेटा को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आती है टेक्स्ट डायरेक्शन की। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को 90 डिग्री, 270 डिग्री या स्टैग्ड, जैसे भी डायरेक्शन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल है, अगर हम अपने टेक्स्ट को 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको इसका लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। इसी तरह से अगर आप 270 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने माउस को रोल ओवर करेंगे तो अब आपके ये टेक्स्ट को 270 डिग्री पर रोटेट करता है, और अगर आप स्टैक्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है स्टैक्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है इसको हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आती है अलाइन टेक्स्ट की, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन दिखा रहा है, टॉप, मिडल, अलाइन। इन ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डेटा को या किसी भी चीज को टॉप, मिडल या बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। सपोज हमें अपने जो है डेटा को मिडल अलाइन करना है तो हम यहाँ पर मिडल पर क्लिक करेंगे तो ये आपके डेटा को मिडल में अलाइन कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है स्मार्ट आर्ट के काफी सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में चेंज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे किसी भी स्मार्ट आर्ट पर अपने माउस को रोल ओवर करते हैं तो ये आपको इसका लाइव प्रीव्यू दिखाता है, आप देख सकते हैं। तो जैसा भी स्मार्ट आर्ट जो है आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है ये वाला स्मार्ट आर्ट ने टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारी लिस्ट है, वो स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे हम अपने डेटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पावर पॉइंट जो है वो हमें स्मार्ट आर्ट टूल्स नाम से एक टैब क्रिएट करके देता है, जिसके अंडर दो सब टैब्स होते हैं, डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब। इन टैब्स की हेल्प से भी आप अपने स्मार्ट आर्ट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू।